The speed of sound as measured by a student in the laboratory on a winter day is 340 meter per second when room temperature is 17 degree C. What speed will be measured by another student repeating the experiment on a day when room temperature is 32? We know that ki temperature T1 by temperature T2 can be written as the speed at temperature T1 T2 will be T1 by T2, लेकिन ये in Kelvin होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है. तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ इसने स्पीड इस केस में दे रखी है 340, नीचे की स्पीड हमको निकालनी है. और यहाँ 340 पे 17 डिग्री था, डेट इज 290 केल्विन, और ये हमें टेम्परेचर 32 दे रखा है. 32 का मतलब दिस इज 273 प्लस 305, 273 प्लस 32 5, हाँ 305 आ जाएगा. सो वी एट टेम्परेचर T2 डेट इज एट 305 केल्विन, 340 इंटू 305 अपॉन 290. तो ये थोड़ा सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 340 इंटू वट एवर दिस कम्स आउट टू बी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वन से ऊपर आएगा, वेरी स्लाइटली अबव वन, वेरी स्लाइटली वन पॉइंट समथिंग. सो द आंसर विल बी वेरी क्लोज टू होगी, ये 1.08 या 1 के आसपास आना चाहिए. तरीका ये भी, तरीका बता देता हूँ आपको रूट सॉल्व करने का. इस केस में आप इसको 3 ले लो, इसको 2.9 ले लो, 30 ले लो, आप बढ़ा दो 5 को, और फिर आप देखो 30/29 कितना आ रहा है. जैसे कि 1 आ रहा है, फिर 1 आएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 100/3 आ जाएगा. तो मैंने पहले कहा था आपसे, अब 1.03 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो 1.03 मान के चलो उतना ही आएगा. तो मैं बहुत बहुत 350 मान के चल रहा हूँ. दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन.